हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं साइमा के ड्रोन की, जिसका नाम है X8 Pro रियल टाइम FPV ड्रोन। और दोस्तों इसमें आपको एक HD कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और 1K रिटर्न भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों ये एक GPS ड्रोन है, तो बाकी आप इसके बॉक्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं आपको चारों तरफ से इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो कि आपको देखने चाहिए। चलिए इधर की साइड में अगर साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बैटरी वगैरह के बारे में बताया गया है और इसके डायमेंशन के बारे में बताया गया है। हालांकि डायमेंशन की बात करूँ तो ये बहुत ही बड़े साइज़ का ड्रोन है, यानी जितना कि DJI Phantom 4 Pro होता है बिल्कुल उसी साइज़ का ये ड्रोन बनाया गया है। बाकी इसमें आपको फॉलो मी मोड भी मिल जाता है, पोजिशनिंग फ्लाइट मिल जाती है, 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी मिल जाती है, बैरोमीटर सेट हाइट मिल जाता है, HD कैमरा मिल जाता है और वाईफाई रियल टाइम FPV ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इधर की साइड में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारे फंक्शन इधर की साइड में भी बताए गए हैं, जैसे कि आपको इसमें सर्कल मोड मिल जाता है, 1K रिटर्न मिल जाता है, 1K टेक ऑफ एंड लैंडिंग मिल जाता है, GPS मोड देखने के लिए मिल जाता है और काफ़ी सारे फंक्शन और भी हैं इसमें जो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी रिमोट के फुल फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से डिटेल में बताया गया है। HD कैमरा वीडियो एंड फोटो के लिए है। इसमें यहाँ पर 2 QR कोड दिए गए हैं जिसे स्कैन करके आप इसकी कैमरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमें 2 बॉक्स मिले हैं और सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है साइमा X8 Pro का मैनुअल। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ड्रोन और हमारे रिमोट के लिए एक ही मैनुअल है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको रिमोट से कैसे काम करना है, मतलब रिमोट की फुल फंक्शंस के बारे में बताया गया है, फ्लाई कैसे करना है, एक ही की के बारे में बताया गया है, बैटरी वगैरह कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। यहाँ तक कि एसेसरीज क्या क्या यूज़ की गई है ये भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। आप इसकी पैकिंग वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल की पैकिंग की गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हैं एक बैटरी भी हमें मिली है। अभी मैं इस बॉक्स से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अभी बॉक्स के अंदर है, अभी भी मैं बॉक्स के बाहर निकाल लेता हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें जो हैं बॉक्स के बाहर निकाल ली हैं, सारी चीज़ें टोटल बॉक्स के बाहर आ गई हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक चार्जर, जो कि दोस्तों 7.4 वोल्ट 1200 mAh का चार्जर है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इस चार्जर के जस्ट ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ग्रीन और रेड कलर में चलती है। जब आपकी बैटरी जो है चार्जिंग पर लगी होगी तो वो रेड होगी और जैसे ही वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब है बैटरी फुल चार्ज हो गई। तो बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बैटरी ही आपको दिखा देता हूँ। बैटरी दोस्तों ये काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये 7.4 वोल्ट 2000 mAh की बैटरी है और बहुत बड़ा साइज़ है। अभी तक जो मैंने ड्रोन अनबॉक्स किए थे उन सभी ड्रोन्स में 3.7 वोल्ट की बैटरी आती थी, लेकिन इस ड्रोन में आपको 7.4 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब आप देख सकते हैं केबल को कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और इसे चार्जिंग में लगा देना है। जैसे ही ऑटोमेटिक रेड से लाइट ग्रीन हो जाएगी इसका मतलब बैटरी फुल चार्ज हो गई। उसके बाद आपको इसमें से इसे हटा लेना है और अपने ड्रोन में लगा लेना है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है इस ड्रोन की कि इसमें एक तो 7.4 वोल्ट में बैटरी मिलती है, ऊपर से आपको दो बैटरियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं ये 7.4 वोल्ट 2000 mAh की 2 बैटरियाँ हैं, यानी 4000 mAh की बैटरियाँ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, तो देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस बैटरी को हम रखते हैं नीचे। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4 प्रोपलर गार्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपकी ड्रोन की जो प्रोपलर होती है उसे काफ़ी हद तक सेफ कर देते हैं, जिससे आपकी प्रोपलर जो है वो डैमेज नहीं होती है दीवार से टकराने के बाद भी। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर आप ड्रोन को पहली बार फ्लाई करते हैं तो इनका यूज़ आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हमें एक मोबाइल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, ये आपके रिमोट में लगता है। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग जाता है, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, तो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसमें लग चुका है। अब आप इसमें अपना मोबाइल लगा सकते हैं, जिसमें आपके जो ड्रोन की कैमरा की लाइव ट्रांसमिशन फुटेज होगी वो आपको दिख जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे ड्रोन का कैमरा है। इसमें यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड लगाने के लिए भी स्लॉट मिल जाता है, जिसमें इसकी जो फुटेज है रिकॉर्ड हो जाती है। बाकी यहाँ पर एक पावर प्लग है, ये आप अपने ड्रोन में लगा सकते हैं। और यहाँ एक वाईफाई एंटीना है और ये एक वाईफाई कैमरा भी है, और इसकी जो फुटेज है वो मेमोरी कार्ड में भी सेव हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैकेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस पैकेट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 डार्ट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि आपके प्रोपलर्स के ऊपर लगती हैं, तो वो मैं आपको आगे लगा के दिखाऊंगा, जो कि इसकी जो लुक होती है उसे थोड़ा सा एनहेंस कर देती हैं। बाकी यहाँ पर आपको स्क्रू ड्राइवर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं या बैटरी वगैरह इंस्टॉलेशन में मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक चाबी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आप जो इसकी प्रॉपलर्स हैं उसे
टाइट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इसे टाइट कर सकते हैं प्रोपलर लगाने के बाद। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको जो आपके ड्रोन के स्टैंड्स हैं लेग्स वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं और काफ़ी बड़े से भी हैं साइज में, आप देख सकते हैं। तो अभी जो थी मैंने सारी एसेसरीज आपको दिखा दी एक एक करके, अभी ड्रोन और रिमोट ही रह गया है। बाकी अभी यहाँ पर आप इसकी प्रोपलर्स वगैरह देखें तो आपको 8 प्रोपलर्स देखने के लिए मिल जाती हैं, 4 तो हमारे ड्रोन्स में लग जाएंगी और 4 बिल्कुल एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स्ट्रा प्रोपलर्स का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके ड्रोन्स की जो प्रोपलर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसमें से 4 प्रोपलर्स निकाल ली हैं, आपको ए बी का ध्यान रखते हुए इसमें प्रोपलर्स लगानी हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रोपलर्स के जहाँ पर आप लगा रहे हैं वहीं पर लिखा हुआ है कि आपको ए कहाँ लगानी है और बी कहाँ लगानी है। अब आप देख सकते हैं हमने इसमें प्रॉपलर लगा दी है और उसके ऊपर से डार्ट भी लगा दी हैं। तो प्रॉपलर्स लगने के बाद लुकिंग आप देख सकते हैं ड्रोन की बहुत ही बढ़िया आ रही है, और इसकी प्रॉपलर जो है दोस्तों 10 इंच की प्रॉपलर्स हैं, तो बहुत ही बड़े साइज़ की इसकी प्रॉपलर्स हैं और ये ड्रोन भी बहुत बड़ा है। आपको DJI Phantom 4 Pro पता है ना, उसी का बिल्कुल क्लोन है ये, उसी का साइज़ है इसका बिल्कुल। और दोस्तों इसका जो वेट है वो 700 ग्राम है, 700 ग्राम के ड्रोन के लिए आपको लाइसेंस और परमिशन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसे विदाउट परमिशन या विदाउट लाइसेंस के फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें मैंने लेग्स लगा दिए हैं और लगने के बाद कुछ इस तरह की लुकिंग इसकी आ जाती है। एक प्रॉपलर्स मेरी ढीली रह गई थी इसलिए निकल गई है, आपको ध्यान से इसे टाइट कर लेना है। ये स्क्रू से टाइट होती है, फिलहाल मैंने भी ये ऐसे ही लगा दी हैं, बाद में मैं इसको टाइट कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉपलर्स मैंने लगा दी हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों अभी एक काम करते हैं, इसका जो कैमरा है उसे भी हम अपने ड्रोन में लगा लेते हैं। आपको कैमरा लगाना बहुत ईजी है, आपको बस जस्ट इस पर रखना है और आगे की साइड में इसे प्रेस कर देना है कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको आगे की साइड में इसे प्रेस कर देना है और आपका जो कैमरा है इसमें अच्छी तरीके से लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, पावर केबल जो है 3.5 mm का जो जैक है वो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं लगा रहा हूँ आपको भी ऐसे ही लगा देना है, आपकी जो ड्रोन का जो कैमरा है उसे ड्रोन से पावर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी है और ड्रोन की यहाँ क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इसकी प्रॉपलर वगैरह देख सकते हैं बहुत बड़ी है, यानी 10 इंच की प्रॉपलर बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। नॉर्मली 4 इंच की प्रॉपलर या 5 इंच की प्रॉपलर आपको देखने के लिए मिलेंगी ड्रोन में, लेकिन इसमें 10 इंच की प्रॉपलर्स हैं। तो चलिए ड्रोन्स मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया है, बाकी आगे दिखा दूंगा। अभी इसका रिमोट देख लीजिए जो कि काफ़ी बढ़िया रिमोट है। आपको इसमें 2 जोस्टिक मिल जाती हैं, पहली वाली जोस्टिक आप ड्रोन को अप डाउन लेफ्ट रोटेट राइट रोटेट, सेकंड वाली से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट, बीच में ऑन ऑफ का बटन है और इसी के अंदर इंडिकेटर लाइट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको 4 बटन देखने के लिए मिल जाते हैं, इसमें हैंडलेस मोड और 1 की रिटर्न का बटन है और 2 बटन जो है ऊपर नीचे वो आपको कैमरा कंट्रोल के लिए मिल जाते हैं, और इधर की साइड में आपको 360 फ्लिप और स्पीड के लिए बटन मिल जाता है, और ऊपर की साइड में आप इसमें मोबाइल होल्डर लगा है जहाँ पर आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं, और पीछे की साइड में इसमें बैटरी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 4 बैटरी डलती हैं, चार्जेबल या नॉन चार्जेबल जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं। मैं नॉन चार्जेबल का यूज़ ज़्यादा करता हूँ क्योंकि एक बार डालने पे चार्जिंग करने का कोई झंझट नहीं होता, एक बार डालने पे कम से कम 5 महीने इजीली चल जाती हैं। तो अब रिमोट को ऑन करते हैं तो रिमोट के बटन के अंदर ही इंडिकेटर लाइट वर्क करने लगती है, इसका मतलब है कि हमारा जो रिमोट है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो कैमरा है आप मोबाइल से ही रोटेट करा सकते हैं ऊपर या नीचे में, यानी फुल्ली कंट्रोल आपको इसके कैमरा का आपके रिमोट से ही मिल जाता है, आपको हाथ से उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बैटरी कुछ इस तरीके से लग जाती है, आपको यहाँ पर रखना है और इसे कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में प्रेस करना है, इसमें आपको एक किटिक करके कुछ आवाज़ आएगी तो इसका मतलब है बैटरी अंदर कनेक्ट हो गई है। तो बैटरी लग चुकी है, तो चलिए दोस्तों अभी फटाफट से एक काम करते हैं, अपने ड्रोन को हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर की साइड में ऑन ऑफ का बटन है, इसे जैसे ही 2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे ड्रोन की जो इंडिकेटर लाइट्स हैं वो सारी की सारी जल जाएंगी। आप देख सकते हैं ऑरेंज और रेड कलर में इसकी इंडिकेटर लाइट्स जलती हैं, जो कि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसमें इंडिकेटर लाइट्स जो हैं मतलब लाइटिंग बहुत ही अच्छी की गई है और बहुत ही प्यारा लगता है ये ड्रोन, एक यूनिक लाइटिंग का डिज़ाइन इसमें दिया गया है। तो देख सकते हैं ड्रोन पूरी तरीके से तैयार है हमारा। अभी हमें क्या करना है, इसकी जो कैमरा ऐप है उसे अपने मोबाइल में डालना होगा, उससे क्या होगा इसकी जो कैमरा फुटेज होगी वो हमारे मोबाइल पे लाइव ट्रांसमिशन हम देख पाएंगे। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी कैमरा ऐप को अपने मोबाइल में डाल लेते हैं। हमारे पास QR स्कैनर होना चाहिए और इसका जो मैनुअल है उसके जस्ट पीछे की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 QR कोड देखने के लिए मिल जाएंगे, एक आपके आईफोन के लिए और एक आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर हमें अपने QR स्कैनर को फटाफट से ओपन कर लेना है और उससे इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे ही आप इसे स्कैन करेंगे आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा साइमा की मेन वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हैं डाउनलोड अगेन दिखा रहा है, क्योंकि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए अगेन दिखा रहा है। आपको पहले से डाउनलोड करना है, फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, देख सकते हैं मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। तो अभी हमें सिंपली इसे ओपन करना है और यहाँ स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो रेडी हो जाएगी। उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको FPV वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, जो कि आपके ड्रोन के सिग्नल है। और इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को जो कि साइमा FPV है उसे ओपन करना है और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपका जो ड्रोन का कैमरा है वो आपके मोबाइल पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से काम करते हैं, अपने मोबाइल को लगा लेते हैं हम अपने मोबाइल होल्डर में, क्योंकि दोनों चीज़ को पकड़ना एक साथ आसान नहीं होता है, मोबाइल और रिमोट दोनों को। तो ये यहाँ पर लग जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं हमारे जो ड्रोन की कैमरा फुटेज है वो लाइव हमारे मोबाइल पे दिखाई दे रही है। अब दोस्तों जैसे ही फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर और नीचे करेंगे, आपका जो रिमोट है वो ड्रोन से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपस में सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए ऑप्शन मिल जाता है और बाकी ये फ़ोटो और वीडियो आपके थर्ड ऑप्शन में चली जाती है। यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ देख सकते हैं जो आपने क्लिक किए थे, और इसके जो सेकेंड वाला ऑप्शन था उसमें आप अपनी वीडियोज़ देख सकते हैं जो आपने वीडियोज़ ड्रोन से बनाई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। सब कुछ मैंने आपको इसका बता दिया है। अभी आपको क्या करना है, जो इसकी फर्स्ट वाली जो स्टिक है वो एक बार ऊपर नीचे करनी है, और फर्स्ट वाली जो स्टिक को जैसे ही ऊपर करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप वन की टेक ऑफ भी करा सकते थे, लेकिन आप ऐसे भी इसे फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पर हमने अपने ड्रोन को जो है टेक ऑफ कर लिया है। आप इसकी स्टेबिलिटी तो देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्टेबिलिटी है इसकी। वैसे साइमा के सारे ड्रोन ही काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पर ये जो है साइमा का सबसे बड़े साइज़ का ड्रोन है, मतलब जो DJI का फैंटम 4 प्रो है ये उसके साइज़ का ड्रोन है। यहाँ पर इसमें जो प्रॉपलर यूज़ की जाती हैं वो भी 10 इंच की यूज़ की जाती हैं और काफ़ी पावरफुल ये ड्रोन है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलती है। आपको किसी और ड्रोन में 3.7 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जबकि इस ड्रोन में आपको 7.4 वोल्ट 2000 mAh की बैटरी मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ये ड्रोन है और काफ़ी वेट भी उठा सकता है। एक्शन कैमरा ये इजीली उठा लेगा, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और उससे आपको कैमरा फुटेज भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। आप इसमें GoPro भी लगा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे पास कोई एक्शन कैमरा अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने इसे एक्शन कैमरा लगा के नहीं फ्लाई किया, लेकिन एक्शन कैमरा ये इजीली उठा लेगा क्योंकि मैंने उसके जितना वेट इसमें लगाया था उससे भी ज़्यादा वेट ये उठा सकता है। और बाकी दोस्तों रही इसकी फ्लाइंग की बात, तो फ्लाइंग आप देख सकते हैं टोटली ये ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लाई करता है। और इसमें आपको 1 की रिटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है और फॉलो मी मोड भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो दोस्तों इसमें वो सारे फंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि एक ड्रोन को प्रो ड्रोन बनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको बैरोमीटर हाइट साइट भी देखने के लिए मिलता है, 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग भी देखने के लिए मिल जाता है। आप इसे जॉयस्टिक से भी डायरेक्ट फ्लाई कर सकते हैं और बैरोमीटर के थ्रू इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। और बाकी फॉलो मी मोड, 1 की रिटर्न, ये सारे मोड इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये एक GPS ड्रोन है, इस वजह से इसमें आपको 1 की रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। विदाउट GPS ड्रोन में किसी में भी आपको 1 की रिटर्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ड्रोन्स में लिख देते हैं, जो कि छोटे ड्रोन्स आते हैं उनमें लिख तो देते हैं कि GPS ड्रोन है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस ड्रोन में आपको GPS और 1 की रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें इसके फंक्शंस की या इसके मतलब फ्लाइंग से रिलेटेड, तो इसकी फ्लाइंग से रिलेटेड कोई भी ड्रोन में दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए बात करते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज की। तो यहाँ पर ये जो ड्रोन है 2.4 GHz में आता है, 120 मीटर से 150 मीटर की इसकी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी बड़े एरिए में आप इसे फ्लाई कर सकते हैं इजीली। तो बहुत ही धमाकेदार ये ड्रोन है। तो बाकी दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसकी जो बैटरी है वो आपको 2 बैटरीज देखने के लिए इसके साथ मिल जाती हैं, 7.4 वोल्ट 2000 mAh की 2 बैटरी है, यानी 4000 mAh की बैटरी आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाती है। और 15 मिनट का 1 बैटरी का प्ले टाइम है इसका, यानी 30 मिनट आप 2 बैटरी से इजीली इसे प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्ले टाइम है। और दोस्तों इसके रिमोट के लिए आपको कोई भी बैटरी इसके साथ नहीं मिलेगी, वो आपको अलग से परचेज़ करके इसमें डालनी होगी, चाहे आप चार्जेबल या नॉन चार्जेबल जो आपको डालना हो आप रिमोट में बैटरी डाल सकते हैं। और ज़्यादा महंगी बैटरी नहीं आती है रिमोट की, 10 रुपये की 12 रुपये की बैटरी मिलती है।
ठीक है। और बाकी रही इसकी जो बैटरीज की बात है चार्जिंग टाइम की, तो चार्जिंग टाइम बहुत जल्दी चार्ज होती है, यानी 25 से 30 मिनट में एक बैटरी चार्ज हो जाती है, और उसके बाद आप 15 मिनट लगातार एक बैटरी से इसे प्ले कर सकते हैं, यानी 30 मिनट तक इसे दो बैटरी से प्ले किया जा सकता है। बाकी दोस्तों आपने इसकी फ्लाइंग तो देख ही ली है, इसकी फ्लाइंग वगैरह में इसकी मटेरियल क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो इसमें किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको देखने में भी लुकिंग वाइज भी बहुत ही अच्छा ड्रोन्स लगेगा। तो अब ये काम करते हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है और बता दिया है, अब इसकी कैमरा टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी कैमरा फुटेज, तो कैमरा फुटेज भी इसकी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है और काफ़ी दूर तक लाइव ट्रांसमिशन करता रहता है और ज़्यादा लैग नहीं है, एक आधा कहीं लैग दिखाई देता है, वरना तो बहुत ही स्मूथली इसकी जो फुटेज है वो मेरे मोबाइल पे लाइव ट्रांसमिशन हो रही थी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि चिप में रिकॉर्ड करें, अगर आपके जो वाईफाई सिग्नल है वो टूट जाते हैं और उससे लैग दिखाई देता है, तो आप चिप में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन इसमें इसके ड्रोन के ही कैमरा में मिल जाता है, उसमें चिप लगा दीजिए आप, उससे क्या होगा आपकी जो फुटेज है अगर लाइव ट्रांसमिशन में एरर आ जाता है तो भी जो ड्रोन है वो रिकॉर्ड करता रहेगा, जिससे बहुत ही बढ़िया फुटेज आ जाती है, कोई भी दिक्कत फुटेज में नहीं आती है। और दोस्तों इस ड्रोन की जो कैमरा की सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि आप अपने रिमोट से ही इसके जो कैमरा है उसे ऊपर या नीचे में एडजस्ट कर सकते हैं, आपको हैंड से उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फ्लाई कर दीजिए और आपके रिमोट से ही वो कंट्रोल हो जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप ऊपर या नीचे में उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आपको फुटेज में काफ़ी मदद मिल जाती है, काफ़ी सही फुटेज मिल जाती है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रोन कैसा लगा, और ये ड्रोन जो है दोस्तों काफ़ी बड़े साइज़ का है, आप इसे छोटा ड्रोन मत समझिएगा, ये साइमा X8 प्रो ड्रोन है और काफ़ी बड़ा ड्रोन है, साइमा ने अभी तक जितने ड्रोन बनाए हैं उनमें सबसे बड़ा साइज़ इसी ड्रोन का बनाया है और ये काफ़ी हैवी वेट भी उठा लेता है। बाकी दोस्तों अब ओवरऑल ड्रोन की बात करें कि आपको ये परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल में इसका जो प्राइस है वो 17,999 रुपये अमेज़ोन पे चल रहा है, क्योंकि ये ड्रोन काफ़ी बड़ा साइज़ का है और काफ़ी पावरफुल भी है, तो इस वजह से इसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है, और इसमें आप GoPro भी लगा सकते हैं तो उससे तो ये एक प्रो लेवल का ड्रोन बन जाता है, तो इस वजह से इसका प्राइस हाई चल रहा है। दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप डायरेक्ट लिंक को फॉलो करके अमेजोन पे जाके इसे बाय कर सकते हैं, बाय करने से पहले पूरी वीडियो को ठीक से देख लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।